जम्मू पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। जम्मू पुलिस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें आपको बताने चले कि तीन लोगों को जो है वो तेजधार हथियारों के साथ साथ दो मोबाइल फोन के साथ जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये इस समय की बड़ी अपडेट है जो आपके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू जिले की अखनूर पुलिस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है। जिस तरह से लगातार ये खबरें जम्मू की सेंट्रल जेल कोर्ट बलवाल से सामने आ रही थी कि वहां पर जो है वो गेंद में जो है वो वहां पर हीरोइन डालकर वहां पर जेल में जो है फेंकी जा रही है, और ये लगभग जब से एक या दो बार ये मामला सामने आया था उसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये लोग कौन हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो आपको बताने चले कि कोर्ट बलवाल जेल में नशे के कारोबार का एक बड़ा बांडाफोड़ जो है वो जम्मू पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें तेजधार हथियारों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार करके दो मोबाइल फोन भी जो है वो बरामद किए गए हैं। आपको बताने चले कि एक बड़ी घटना भी जो है वो ये कहें कि एक बड़ी वारदात किए जाने की प्लानिंग भी जो है वो इन तीन लोगों द्वारा वहां पर की जा रही थी, लेकिन ऐसे में जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जम्मू जिले की अखनूर पुलिस ने कोर्ट बलवाल जेल में नशे के कारोबार का एक बड़ा बांडाफोड़ किया है, और जिसमें पुलिस ने तीन लोगों को जो है वो इसमें गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो तेजधार हथियार बरामद हुए हैं और दो मोबाइल फोन भी जो है वो बरामद किए गए हैं। और आपको बताने चले कि इसमें ये बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन में पुलिस को कई ऐसी रिकॉर्डिंग मिली है जिससे साफ हो जाता है कि जेल में बंद कैदी से रूटीन में जो है वो बात होती है, और जेल में किस प्रकार से किस तरह से वहां पर नशा जो है वहां पर कहीं ना कहीं पहुंचाया जाता था, वहां पर कारोबार इसका चल रहा था, और इसके बारे में भी जो है पता चल गया है। लेकिन आपको बताने चले कि इतना ही नहीं, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो कोई हमला करने का भी प्लान जो है वो बना रहे थे, लेकिन समय रहते उससे पहले जम्मू पुलिस हरकत में आ गई और इन तीनों लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आपको बताने चले कि एक बड़ा हमला करने का प्लान जो है वो इन तीनों बदमाशों द्वारा जो है वो किया गया था, जिसके बारे में जेल में बंद आरोपी से लगातार इस बारे में वो जो है वो बात कर रहे थे, लेकिन एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी इस पूरे मामले पर अपनी जो है वो नजर बनाए रखे हुए थे, और क्योंकि जेल से ये जुड़ा मामला था और काफी हैरान करने वाला था कि आखिरकार किस तरह से वहां पर एक गेंद के अंदर जो है वो वहां पर नशा डालकर जेल के अंदर पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ऐसे में आपको बताने चले कि अखनूर थाने के थानेदार जहीर मुश्ताक ने जो है वो तीन दिनों तक लगातार छापे मारकर जो है वो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, और बताया ये जा रहा है कि सेंट्रल जेल कोर्ट बलवाल में ये ड्रग सप्लाई जो है वो मॉड्यूल को अखनूर पुलिस ने जो है वो एक सुलझा लिया। और ये पूरी घटना आपको बताने चले कि 22 नवंबर को पुलिस स्टेशन द्रोटा में एक जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि जेल कोर्ट बलवाल के पास जो है वहां पर एक गश्त के दौरान एक तलाशी के दौरान वहां पर जो है वो कास्को बाल में वहां पर ये हीरोइन वगैरह वहां पर पाई गई थी, और जिसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर एफआईआर नंबर 92 के तहत ये मामला दर्ज किया और उसके बाद जांच को आगे की ओर बढ़ाया। तो आपको बताने चले कि इसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से काफी ज्यादा हथियार भी जो है वो बरामद किए गए, और गिरफ्तार किए गए लोगों की जो पहचान है वो भी हम आप जनता तक साझा करने की कोशिश करेंगे। जो पुलिस द्वारा प्रेस नोट जारी करके जो जानकारी दी गई है इसके मुताबिक राहुल कुमार उर्फ सुंडी के नाम से जिसे ज्यादा जाना जाता था, सनाफ बिशन दास जो कि मखनपुर बिश्ना का रहने वाला है, और दूसरे की पहचान राहुल कुमार उर्फ डाकू सनाफ सोमनाथ जो कि कोठी खोर मेरा साहिब का रहने वाला है, और तीसरे की पहचान अर्जुन कुमार उर्फ छोटू सनाफ श्यामलाल जो कि कोलिया आरसपुरा का रहने वाला है। इन सभी को जो है वो गिरफ्तार करके आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है कि आखिरकार और कितने लोग इनके साथ शामिल है। लेकिन कोर्ट बलवाल में जो वहां पर जेल के अंदर जो एक कास्को बाल में डालकर जो हीरोइन वहां पर सप्लाई करने का काम किया जा रहा था उसका जो है वो जम्मू जिले की अखनूर पुलिस ने बांडाफोड़ कर दिया है, और जिसके चलते सल्यूट करना होगा एसएचओ अखनूर जहीर मुश्ताक साहब को और उनकी पूरी टीम को और एसएसपी जम्मू को भी, जिन्होंने इस तरह का बेहतरीन काम किया। और समय रहते ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला करने की फिराक में भी थे, लेकिन उससे पहले जम्मू पुलिस द्वारा इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया गया। अब आप ये नहीं कहें कि 370 हटने के बाद ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बाहर के लोग नहीं है, ये जम्मू के रहने वाले लोग हैं जो इस तरह का काम जो है वो जम्मू में यहां पर कर रहे थे। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं ऐसे काम कर रहे हैं और जिसका असर जो है वो कहीं ना कहीं बाकी हमारे नौजवान पीढ़ी पर भी पड़ रहा है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।